स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे यूनिट 8 ए रीडिंग स्नेक्स इन इंडिया की समरी को। द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर द पॉइजनस स्नेक्स। जो सबसे खतरनाक एनिमल्स हैं इंडिया में वो है जहरीले सांप। इन इंडिया ओवर 20,000 ह्यूमंस आर बीटन बाय पॉइजनस स्नेक्स ईच ईयर। इन इंडिया मतलब भारत में करीब 20,000 ऐसे इंसान हैं जिनको जहरीले सांपों काट लेते हैं हर साल में। अकॉर्डिंग टू द WHO रिपोर्ट, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर अबाउट 15,000 डेथ्स फ्रॉम स्नेक्स बाइट्स ऑकर एनुअली इन इंडिया। करीबन 15,000 मौत हो जाती है सांप के काटने से हर साल इंडिया में। मोस्ट पीपल डाई बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हेन अ स्नेक बाइट्स। बहुत से लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि जब सांप काटता है तो उनको क्या करना चाहिए। बिसाइड्स, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑफन डिलेड और अनऑब्टेनेबल। और क्या होता है कि उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है और जो मिलता है वो भी डिले हो जाता है। सो वन ऑट टू नो व्हाट टू डू व्हेन अ पॉइजनस स्नेक बाइट्स। तो हमको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए जब आपको एक जहरीला सांप काटता है। टेंगल कमल, अ वर्कर वॉज वर्किंग बेयर फुट इन हिज फील्ड्स ऑन अ रेनी इवनिंग इन ऑगस्ट 1981। टेंगल कमल एक काम वाला था जो कि नंगे पैर अपने खेत में बारिश के दिनों में शाम में काम कर रहा था। कब? अगस्त 1981 में। सडनली अ पॉइजनस स्नेक बिट हिम ऑन हिज राइट फुट। अचानक उसको एक जहरीला सांप उसके सीधे पैर में काट लेता है। ही फेल्ट इट्स शार्प स्टिंग ऑन हिज राइट फुट। उसको एक अजीब एक तेज चुभन सी महसूस हुई सीधे पंजे में, सीधे पैर के पंजे में। देन ही टाइड अ रोप जस्ट अबो हिज नी। तो उसने क्या करा, एक रोप मतलब रस्सी बांध ली अपनी नी मतलब घुटनों के नीचे। एंड कॉल्ड आउट हिज नियर बाय रिलेटिव। और उसने उसके रिश्तेदारों को या जो आसपास उसके पास मौजूद थे उनको बुलाया। हु टूक हिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर, जो कि उसको एक नज़दीक के डॉक्टर के पास लेके गए। Who did not know about antivenin serum or how to administer it? उसको पता ही नहीं था कि जो antivenin serum रहता है उसको कैसे एडमिट करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। So he gave him a pain killing injection and antibiotic tablets. तो उसने क्या करा, उसको एक पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया और कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स दे दी। He told him to rest until the pain got lost. उसने क्या बोला डॉक्टर ने कि तुमको आराम करना पड़ेगा जब तक कि तुमको दर्द कम नहीं होता है या पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। बट विद इन अ फ्यू आवर्स, पर सिर्फ कुछ घंटों में कमल फेल्ट गिडी एंड वोमिटेड कंटिन्यूअली। कमल जो था उसको बेहोशी जैसा और भारी भारी लगने लगा और उसने उल्टियाँ करना चालू कर दी। हिज राइट फुट एंड लोअर लेग स्वेल्ड। उसका जो सीधा पैर का पंजा था और जो घुटने के नीचे का पैर था वो स्वेद सूलन आने लग गई थी, सूजने लग गया था। एंड द पेन बिकेम अनबियरेबल। और जो उसको दर्द हो रहा था वो सहन नहीं हो रहा था। सो ही वॉज टेकन टू अ लार्ज पब्लिक हॉस्पिटल इन सेंट्रल मुंबई। तो उसको एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंबई में लेके गए। देयर द डॉक्टर नोटेड दैट हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल। वहाँ डॉक्टर को समझ में आया कि जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। एंड सो ही गेव कमल एन इंजेक्शन ऑफ एंटीवेनिन। और इसीलिए उन्होंने जो कमल था जिसको सांप ने काट लिया था उसको डॉक्टर ने एक एंटीवेनिन का इंजेक्शन दिया। एंड बिगेन एन इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और उन्होंने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जल्दी से किया। ओवर द नेक्स्ट 3 days, 3 दिन के बाद कमल वॉज गिवन 15 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एज वेल एज एंटीवेनिन इंजेक्शन। उसको 15 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दिए गए और एंटीवेनिन इंजेक्शन्स दिए गए। इट वॉज ओनली आफ्टर द 5th day दैट कमल केम आउट ऑफ द डेंजर। और 5 दिन के बाद जो कमल था वो खतरे से बाहर आ चुका था। ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर अबाउट अ 4th night। और उसको उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया था, 5th day के रात में उसको डिस्चार्ज कर दिया था।
There are nearly 200 species of snake in India. करीबन 2000 तरह के स्नैक्स की सांपों की प्रजाति है इंडिया में. ऑफ देम ओनली 50 आर पॉइजनस, जिसमें से सिर्फ 50 ही जो है वो जहरीले हैं. एंड ऑफ दिस 50, और उसमें से जो 50 है, ओनली 4 स्नैक्स आर रियली वेरी डेंजरस, और उसमें से सिर्फ जो 4 है वो बहुत ही खतरनाक है. पहला क्या है? दे आर फर्स्ट रसेल स्वाइपर. सेकंड है सॉ स्केल्ड वाइपर. थर्ड है इंडियन कोबरा. एंड फोर्थ कॉमन क्रेट. ये ऐसे 4 सांप है जो बहुत ही डेंजरस है. दिस पॉइजनस स्नैक्स आर जनरली फाउंड इन रूरल इंडिया. और ये जो जहरीले सांप है वो रूरल इंडिया, मतलब जो गांव है वहाँ पे पाए जाते हैं. इंडियन कोबराज एंड कॉमन क्रेट्स आर फाउंड इन एंड अराउंड एनी एरियाज ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग. जो इंडियन कोबरा और कॉमन क्रेट्स है वो आसानी से जहाँ पे गड्ढे खोदते हैं या ऐसे जो जगह है वहाँ पे वो आसानी से मिल जाते हैं. द रसेल स्वाइपर रिलीजेस मोर पॉइजन. जो रसेल स्वाइपर है वो बहुत ज़्यादा जहर उगलता है. एंड सो इट इज़ मोस्ट डेंजरस. और ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है देन द इंडियन कोबरा. इंडियन कोबरा से ज़्यादा खतरनाक क्या है? रसेल स्वाइपर. इंडियन कोबरा इज रिकोगनाइज बाय द स्पेक्टेकल एंड मोनोकल मार्क ऑन इट्स बेक. जो इंडियन कोबरा, उसको पहचानने के लिए क्या होता है? जो उसके जो फन रहती है उसके ऊपर चश्मे जैसा आकार, चश्मे जैसा डिज़ाइन बना रहता है. बट द ब्लैक कोबरा हैज़ नो डिस्टिंग्विशिंग मार्क. बट जो ब्लैक कोबरा रहता है उसको पहचानने के लिए कोई भी ऐसा सूटेबल मार्क नहीं है. कॉमन क्रेट इज़ फाउंड थ्रू आउट इंडिया. और जो कॉमन क्रेट है वो पूरे इंडिया में पाया जा सकता है. मोस्ट स्नैक्स आर टीम्ड एंड नॉन पॉइजनस. बहुत से जो सांप हैं वो बहुत ही टीम्ड हैं और बहुत ही नॉन पॉइजनस है. नॉन पॉइजनस है मतलब बिना जहर के हैं. स्नैक्स आर नॉक्ट्यूरल क्रिएचर्स. जो स्नैक्स है वो नॉक्ट्यूरल क्रिएचर्स है. नॉक्ट्यूरल मतलब जो कि रात में ही एक्टिव होते हैं. सो व्हेन वी वेंचर आउट एट नाइट, जब भी हम बाहर निकलते हैं रात में, वियर शूज मतलब जूते पहनना चाहिए. कैरी अ लेटन और अ टॉर्च, या तो एक कंदील लेके निकले या तो टॉर्च लेके निकले. वियर लॉन्ग ट्राउजर्स, लंबी पैंट या पैजामा पहन के निकले. एंड मेक साउंड व्हाइल वॉकिंग, और चलते के टाइम पे आवाज़ें करते हुए चले. स्नैक्स फीड ऑन रेट्स. जो स्नैक्स रहते हैं, सांप रहते हैं, वो क्या खाते हैं? रेट्स, चूहे, फ्रॉग्स, टोड्स, लिजर्ट्स और बर्ड्स, ये सब चीज़ें खाते हैं. कीप योर होम एंड द सराउंडिंग्स रेट फ्री. अपने घर को और आसपास की जगहों को रेट फ्री रखना चाहिए, मतलब चूहों से दूर रखना चाहिए. बी अलर्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन स्नैक्स आर मोस्ट एक्टिव. और मानसून सीजन के दौरान बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जबकि जो सांप रहते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत एक्टिव रहते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.